हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम ISLM मॉडल को ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास जब ली थी तब मैंने LM मॉडल डिस्कस किया था, प्रोडक्ट मार्केट मनी मार्केट के बारे में हम लोगों ने देखा था। इन ब्रीफ मैंने आपको ISLM मॉडल के बारे में भी बताया था, मैंने स्लोप ऑफ LM कर्व को डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि वाई LM कर्व स्लोप्स अपवर्ड, और साथ ही मैंने आप लोगों को उस समय भी बताया था कि ये जो हमारा ISLM कर्व का टॉपिक है ये हमारा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रेलिवेंट टॉपिक है। तो मैंने आप लोगों को उस समय भी ये क्वेश्चंस बताए थे कि देखिए 5 क्वेश्चंस अभी तक यूपीएससी ने यहाँ से पूछे हुए हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट में जब शेयर किया था तो उस समय मैंने आपको ये सब बताया था। तो आज की क्लास में हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। LM कर्व में हमने फैक्टर्स दैट शिफ्ट द LM कर्व, वो चीज वो टॉपिक हमारा रह गया था वो करना था, और IS कर्व भी मैं आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना है, फैक्टर्स दैट शिफ्ट द LM कर्व। जब हम LM कर्व की बात कर रहे हैं तो LM कर्व में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई के बारे में। तो जब आप फैक्टर्स दैट शिफ्ट द LM शेड्यूल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, हम मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। और बुक्स में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा एक्सोजीनियसली फिक्स्ड मनी सप्लाई, ठीक है। तो एक्सोजीनियसली फिक्स्ड मनी सप्लाई, और दूसरा हम लोग क्या बारे में बात करेंगे, मनी डिमांड फंक्शन के बारे में। तो जब भी LM शेड्यूल में हम शिफ्ट्स पढ़ेंगे तो हम मनी सप्लाई के बारे में देखते हैं और दूसरा हम मनी डिमांड फंक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको कर्व याद आ रही होगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कर्व याद आ रही है आपको। तो पहले हम मनी डिमांड फंक्शन की बात करेंगे। तो जब भी मनी डिमांड फंक्शन की बात आती है, मनी डिमांड फंक्शन में शिफ्ट आने का मतलब क्या है, लेट्स से अगर नाउ ये हमारी मनी डिमांड फंक्शन है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, अगर मनी डिमांड फंक्शन पे शिफ्ट आया इसका मतलब हमारी मनी डिमांड फंक्शन आगे की तरफ पैरेलल लाइन आएगी, हमारी मनी डिमांड फंक्शन में भी इस साइड शिफ्ट हो जाए या मनी डिमांड फंक्शन क्या हो जाए, इधर मूव कर जाए, ठीक है। मेरी थोड़ी पैरेलल नहीं बन रही, यहाँ पे शिफ्ट हो रही है मतलब अपनी जगह से उठ के आगे जा रही है या पीछे आएगी। लेकिन यहाँ पे जब भी हम शिफ्ट इन द मनी डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एट दैट टाइम हमारा जो इनकम है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पे चेंज नहीं आएगा, इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, इस चीज को याद रखेंगे। तो जब भी शिफ्ट इन द मनी डिमांड फंक्शन आपसे पूछा जाए इसका मतलब क्या है, मींस अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड फॉर गिवन लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। गिवन लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। तो यहाँ पे हम मनी डिमांड फंक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो कर्व है, पहले आप कर्व को समझ लीजिए फिर आप लोगों के लिए ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। दिस इज योर मनी सप्लाई कर्व, मनी सप्लाई इज फिक्स, यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी, हियर वी हैव मनी डिमांड, हमने बोला मनी डिमांड, लेकिन फॉर गिवन लेवल ऑफ इनकम लेट्स से दिस इज वाई नॉट, और मनी डिमांड इनकम आपकी चेंज नहीं हुई लेकिन नाउ आपकी मनी डिमांड चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मनी डिमांड, और ब्रैकेट में अगर आप ध्यान देंगे तो मैं क्या लिख रही हूँ, वाई नॉट। मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर गिवन लेवल ऑफ इनकम हमारा मनी डिमांड यहाँ से उठकर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और इस समय हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर नॉट, ठीक है। लेकिन
फॉर इक्विलिब्रियम मनी सप्लाई तो चेंज नहीं हो रही, मनी डिमांड चेंज हुई फॉर गिवन लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर गिवन लेवल ऑफ इनकम, वाई नॉट इनकम एंड आर नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। हमें क्या करना है, हमें मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना है। दैट्स वाई हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ से जाते जाते हम यहाँ आ जाएंगे जहां पे हमारा इनकम इज नॉट चेंजिंग, इनकम इज स्टिल वाई नॉट, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट की जगह क्या हो जाएगा, आर वन। तो अगर मुझे इस कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करना है, मेरे पास पॉइंट्स क्या बने, नंबर वन वाई नॉट आर नॉट, नंबर टू मेरे पास क्या बना वाई नॉट आर वन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे यही पॉइंट दिखाना चाह रही हूँ कि हमें यहाँ पे किसका ध्यान देना है, इनकम रिमेन्स द सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम था बट मनी डिमांडेड पे, लेकिन हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। टू अटेन दैट इक्विलिब्रियम लेवल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें वेरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा, हमने बोला दिस इज योर इनकम, ठीक है, तो यहाँ पे वाई नॉट आर नॉट पे लेट से एल एम नॉट हमारे पास क्या था, कर्व वाई नॉट पे हमारे पास ये था, लेकिन हम इनकम वाई नॉट पे है, इसको ध्यान से समझना, हम इनकम सेम लेवल पे है, चेंज कर लेती हूँ, हाँ इनकम हम सेम लेवल पे है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। मतलब आप कहीं इस पॉइंट पे हो तो आपकी नाउ एलएम कर्व इस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, मेरी थोड़ी सी हो सकता है ड्रॉ करने में थोड़ा अलग लग रहा हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एलएम कर्व हमारी बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, बिकॉज इनकम जब फाइनल इक्विलिब्रियम हमारा बन रहा है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो वहां पे हमारी इनकम सेम रही लेकिन हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो राइज कर गया। दैट्स वाई जब भी इस तरीके से सिचुएशन आएगी, जब इकोनॉमी के अंदर मनी डिमांड इंक्रीज करेगी, तो हमारी इकोनॉमी में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारी इकोनॉमी में हमें देखने को मिलेगा कि जो एलएम कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। नंबर वन क्लियर हुआ सबको? अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलती कि मनी डिमांड फॉल कर गई है, ठीक है, तो मनी डिमांड फॉल कर गई है उसकी कर्व बना देते हैं, दिस इज योर मनी सप्लाई, ठीक है, ये आपका क्या था मनी डिमांड वाई नॉट पे, मनी डिमांड क्या हुआ फॉल कर गया, ठीक है, मनी डिमांड फॉल कर गया, लेकिन क्या हमारा जब मनी डिमांड फॉल की क्या हमारा इनकम या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फर्क आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, एम डी वाई वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करेंगे आर नॉट पे, पहले हम यहाँ थे अब हम यहाँ पे आ गए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वापस से इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है, और इक्विलिब्रियम की तरफ जाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल फॉल और हम यहाँ से होकर यहाँ पे आ जाएंगे आर वन पे। आर नॉट से हम कहाँ पे आए, आर वन पे आए। तो एल एम कर्व कैसे बनाएंगे, एल एम कर्व के लिए हमारे पास दो कॉम्बिनेशन होंगे, आर नॉट वाई नॉट, यहाँ पे वाई नॉट है सॉरी, और दूसरा आर वन वाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा पहला कॉम्बिनेशन था एल एम नॉट, जहां पे मैंने लिखा दिस इज माई आर नॉट दिस इज माई वाई नॉट, मेरा इनकम चेंज नहीं कर रहा, लेकिन चेंज हमारा क्या कर रहा है, चेंज हमारा कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लेट्स से हमारा आर वन अगर यहाँ है तो हमारा ये पॉइंट होगा, एल एम हमारी यहाँ से मूव करेगी, तो हमारी पैरेलल लाइन बनाना, मेरी थोड़ी पैरेलल नहीं आ रही लेकिन मैं आपको वापस बोलूंगी ये पैरेलल है, तो इस तरीके से हमारी एल एम कर्व होगी। तो इसका मतलब जब हम डिक्रीज इन मनी डिमांड का केस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एल एम कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, एल एम कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। यहाँ तक क्लियर, मनी डिमांड की वजह से आपका एल एम कर्व में अगर आपको शिफ्ट दिखाने को आ जाए आप बना पाएंगे। उसी तरीके से दूसरा हमारा कौन सा फैक्टर था, दूसरा हमारा फैक्टर था मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई। जब हम मनी सप्लाई को चेंज करेंगे तब हम मनी डिमांड को अब कॉन्स्टेंट रखेंगे। अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मनी सप्लाई तो ऑलरेडी डिटरमिन है, मे बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है,
ठीक है, तो क्या होगा, हमारी मनी सप्लाई यहाँ से एम नॉट एस से शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगी, लेट से M1S पे, लेकिन जो आपकी मनी डिमांड थी वो हमारी एम डी वाई नॉट ही है लेट से। तो यहाँ पे हमारा पहले आर नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, R1। पैसा ज्यादा है मार्केट में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, क्योंकि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है इसका मतलब, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बात के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका मतलब हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक आइडिया दे रहा है कि अब सस्ते रेट्स में लोन अवेलेबल है, दैट्स वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, फॉल करेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें LM कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। तो LM कर्व के लिए लेट से हमारे पास पहले था LM नॉट, ठीक है, LM नॉट था, जहां पे हमारे पास R नॉट और Y नॉट था, ठीक है। अगर हम R नॉट पे ही जाते हैं, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं करना चाहते तो हम कहीं यहाँ पे आ जाएंगे LM1 पे, क्यों, बिकॉज मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज करेगी। लेकिन हम अगर आप यहाँ ध्यान दें, हमारा जो इनकम है दैट इज वाई नॉट, तो वाई नॉट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना पड़ेगा और हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे भी वापस दो कॉम्बिनेशन दिखाए, एक आर नॉट वाई नॉट और एक R1 Y1, ठीक है। मैं आई होप आपको समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको इंक्रीज इन मनी सप्लाई समझाया, अब आपके लिए एक होम असाइनमेंट है, आप डिक्रीज इन मनी सप्लाई वाला केस खुद लिखेंगे, ठीक है। डिक्रीज इन मनी सप्लाई को आप खुद डिस्कस करेंगे। अब ये हमारा कौन सा था, ये हमारा LM कर्व था। तो LM कर्व के बारे में अगर अब आपसे कोई पूछे LM कर्व क्या है, तो ये हमें क्या बताता है, कॉम्बिनेशन बताता है इनकम के और रेट ऑफ इंटरेस्ट के, जो कहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं, इन द मनी मार्केट, ठीक है। तो LM कर्व मनी मार्केट दिमाग में आएगा। फिर दूसरा पॉइंट, LM कर्व का स्लोप के अगर बारे में बात की जाए, LM कर्व स्लोप्स अपवर्ड, इस तरीके से कर्व है, ठीक है। अगर अब मैं आपसे स्टीपनेस और फ्लैटर के बारे में बात करूं, तो LM कर्व स्टीपर कब होगी, जब क्या होगा, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज लो, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड जब लो होगी तो क्या होगा हमारे पास, फ्लैटर, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड अगर हाई होगी तो फ्लैट, हाई होगी तो फ्लैटर, ठीक है, हाई होगा तो फ्लैटर होगा और लो होगा तो स्टीपर, ठीक है। फिर हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा, फैक्टर्स दैट इफेक्टिंग द शिफ्ट इन द LM कर्व, तो LM कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड, ठीक है, LM कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कब शिफ्ट कर रही है, जब हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, और मनी सप्लाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं बैकवर्ड कब शिफ्ट करेगी, जब मनी सप्लाई फॉल करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम मनी डिमांड के हिसाब से बात करें, तो मनी डिमांड के हिसाब से LM कर्व जो है हमारी विल शिफ्ट अपवर्ड, या ठीक है, अपवर्ड कब शिफ्ट करेगी, जब हमारे क्या होगा, जब मनी डिमांड इंक्रीज करेगी, ठीक है। मनी डिमांड इंक्रीज करती थी तो हमारा क्या होता था, बैकवर्ड शिफ्ट करता था, या जिसको हम अपवर्ड शिफ्ट कहते थे, क्लियर, ठीक है। आई होप आपको LM कर्व समझ आया। अब हम बात करेंगे IS कर्व की। देखिए IS कर्व की अगर बात करें, तो I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड S स्टैंड फॉर सेविंग। अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट कौन सी मार्केट है, जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो प्रोडक्ट मार्केट में आप किसके बारे में बात करेंगे, यू टॉक अबाउट IS कर्व। तो IS कर्व में हमें क्या देखना है, हमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में देखना है। जनरली हम जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में देखते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से कर्व होती है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एज्यूम कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, ना ही गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही है, एट दैट टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एस, हमारे पास I इज इक्वल टू एस की
कंडीशन आ जाएगी, तो यही कंडीशन को हमें यहाँ पे देखना है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रिलेशन हम किसके साथ फाइंड आउट करेंगे? इन्वेस्टमेंट का रिलेशन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ फाइंड आउट करेंगे। दैट्स वाई मैं यहाँ पे आर लिख दूं, और सेविंग इनकम के साथ, मतलब आपके पास ज्यादा पैसा है आप ज्यादा सेव करेंगे, आपके पास कम पैसा है आप कम सेव करेंगे। और अगर आपको कोई लोन लेना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो लोन लेंगे। तो यहाँ पे जब मेरे को इन्वेस्टमेंट कर्व बनानी है तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखूंगी, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहां पे हम क्या लिख रहे थे? क्वांटिटी ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे वी हैव इन्वेस्टमेंट। कैसे इन्वेस्टमेंट कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कर्व हमें क्या बता रही है? जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, इन्वेस्ट लोग ज्यादा करेंगे, लोग ज्यादा लोन उठाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट से दिस इज आर नॉट, दिस इज आर वन। उसी तरीके से हमें सेविंग कर्व देखना है, और मैंने आपको क्या बताया? सेविंग और इनकम का पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा दे विल सेव मोर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे इनकम, यहाँ पे सेविंग। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं दिस इज, लेट से दिस इज वाई वन लेवल ऑफ इनकम, दिस इज वाई नॉट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, आर नॉट पे आई नॉट था, आर वन में आई वन। तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट आई वन थी, उस समय हम लोग क्या करेंगे? सेव भी बराबर ही करेंगे, जितना लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्विलिब्रियम पे बराबर है, ये इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग क्या कर रहे हैं? पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर। तो यहाँ पे आई नॉट और एस नॉट होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे वाई नॉट है। तो जब हम यहाँ से इन दोनों को के कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करके जब हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे, आर नॉट और वाई नॉट को लेंगे, आर वन और वाई वन को लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेटली आईएस कर्व आएगा। क्या आएगा? आईएस कर्व, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। एलएम कर्व का हमारा स्लोप कैसा था? अपवर्ड स्लोप था। लेकिन जब हम आईएस कर्व की बात करेंगे, इसका स्लोप कैसा होगा? इसका स्लोप होगा डाउनवर्ड। इस तरीके से आईएस कर्व हमारी स्लोप करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आर वन और ये आर नॉट, आर वन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई वन इनकम है, और आर नॉट के करस्पॉन्डिंग वाई नॉट। हमने बेसिकली आर नॉट वाई नॉट और आर वन वाई नॉट, वाई वन कॉम्बिनेशन को जब प्लॉट किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछे स्लोप ऑफ द आईएस कर्व के बारे में, तो आप मुझे बताइए स्लोप ऑफ द आईएस कर्व कैसा होगा? आपका स्लोप ऑफ द आईएस कर्व हमारा कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब जैसे हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, उसी तरीके से अगर यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन करूँ कि वाई, क्वेश्चन लिखिए आप लोग सारे, वाई आईएस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, या क्वेश्चन आ सकता है वाई द आईएस शेड्यूल हैज अ नेगेटिव स्लोप, ये 2018 में जेकेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, वाई द स्लोप ऑफ, क्वेश्चन वाई द स्लोप ऑफ आईएस कर्व इज, वाई आईएस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप, वाई आईएस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, जैसे जैसे हमारा डिक्लाइन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, यहाँ पे डिक्लाइन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रहा है। इसका मतलब तो यही है, यही मतलब है। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा
रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने से इकोनॉमी के अंदर हमारी इनकम इंक्रीज करेंगे, दैट्स बाय ये जो हमारा रिलेशनशिप दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिख रहा है बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द इनकम लेवल इन द इकोनॉमी। तो आप यहाँ पे इस नेगेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली जब हमें बताना है व्हाई आईएस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप, तो आपको यही रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ लिख देती हूँ यहाँ पे। तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा, जिनको नहीं समझ आ रहा, थियरी आप लिखेंगे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। आप लिखना स्टार्ट करिए, द हाईएस्ट शेड्यूल हैज अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, आप स्टार्ट करिए, मैं आगे लिखूंगी। द हाईएस्ट शेड्यूल हैज अ नेगेटिव स्लोप बिकॉज द डिक्लाइन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन द प्लांट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फुल स्टॉप द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग दैट इज आई द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल कॉज द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू शिफ्ट अपवर्ड एंड देयर फोर लीड्स टू द इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल स्टॉप। दस अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एसोसिएटेड दस अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एसोसिएटेड विद अ higher level of income and vice versa full stop. This makes the IS curve slopes downward. This makes the IS curve slopes downward. ठीक है, आई होप आपने लिखा, ठीक है, सबने लिखा यहां तक। ठीक है, 2018 में मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन आया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्लोप ऑफ आईएस शेड्यूल, फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्लोप ऑफ आईएस शेड्यूल। अब यहाँ पे जब हम आईएस शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेविंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम लिख रही हूँ फैक्टर्स, फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्लोप ऑफ द आईएस शेड्यूल, दैट डिटरमिन द स्लोप ऑफ द आईएस शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आईएस शेड्यूल के लिए स्लोप ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन और स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन का कर्व कैसा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो कर्व है जो हमें किसके बारे में बताएगी, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसके बारे में बताएगी, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चेंज होगा और उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट कितना में कितना चेंज आएगा, वही आपका इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बताएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट शेड्यूल फ्लैटर लेंगे और एक स्टीपर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले फ्लैटर लेते हैं, फ्लैटर का मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अप्रोच करेगा, लेट से सेल्फ आई। जब हमने ये लिया, लेकिन सेविंग फंक्शन को हम चेंज नहीं कर रहे, सेविंग फंक्शन इज एस वाई। क्लियर यहाँ तक? तो जब आपने यहाँ लिया, लेट से दिस इज योर आर वन, आर वन में हमारा आई वन है, लेकिन जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल किया, इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, इनवर्स रिलेशनशिप। और जब हमारा इन्वेस्टमेंट आई वन है, तो इन्वेस्टमेंट आई वन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास सेविंग होगी एस वन, इन्वेस्टमेंट
I2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास सेविंग हो गई S2 और हमारे पास आ गया Y1 Y2। यहां तक समझ आया? बेसिकली अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जितना हमने अभी तक ड्रॉ किया वही वही है। अब इसके करस्पॉन्डिंग वी नीड व्हाट IS शेड्यूल। तो यहाँ पे मैं इसके करस्पॉन्डिंग बाय यूजिंग R1 Y1 कॉम्बिनेशन एंड R2 Y2 कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशंस को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व बनाएंगे। तो हमारे पास इस तरीके की कर्व आएगी, ठीक है। IS-, सॉरी IS मार्क करते हैं, ठीक है। तो IS कर्व हमारे पास इस तरीके की है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, R1 R2 Y1 Y2, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने फ्लैटर लिया, मैं एक और कर्व लूंगी स्टीपर, फिर मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं करेंगे, हमने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे R1 R2 पे ठीक है। तो यहाँ पे ये कर लिया और इसके करस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन तो हमारा वही रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या I2 के करस्पॉन्डिंग I2- और ये सॉरी I- और S के करस्पॉन्डिंग एक न्यू IS कर्व बनानी है जो हमारे पास समवट ऐसी आएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास Y1 Y2 कर्व 1 के पॉइंट से, Y1 Y2- हमारे पास कर्व 2 के डैश पॉइंट से। अगर आप ब्लू लाइन देखेंगे, ब्लू लाइन क्या है हमारे पास स्टीपर, ये वाली कर्व क्या है स्टीपर, और ये वाली कर्व हमारे पास क्या है फ्लैटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे IS- हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट कर्व के करस्पॉन्डिंग है, जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व क्या थी स्टीप थी। तो जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व स्टीपर होगी तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व होगा वो भी क्या होगा, वो भी स्टीपर होगा। और स्टीपर कर्व हमें क्या बताती है, स्टीपर कर्व रिफ्लेक्ट्स लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टीपर कर्व हमें क्या बताती है, लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टीपर कर्व है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्टीपर कर्व रिफ्लेक्ट्स लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और फ्लैटर कर्व हमें कब मिली, जब हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व फ्लैटर था, मतलब इन्वेस्टमेंट कर्व में हमारी क्या शो हो रही थी, हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाया था, व्हाट इज हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने आपको वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्लियर। तो आप लोगों को पता चलेगा जब हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व स्टीपर होगा, IS कर्व भी स्टीपर होगी। स्टीपर का मतलब लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जब हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व फ्लैटर होगी तो हमारी IS कर्व भी रिलेटिवली फ्लैटर होगी, रिफ्लेक्टिंग हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे वी हैव एन एक्सेप्शन, जहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होगा, जहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व क्या हो जाएगा वर्टिकल, मतलब रिलेटिवली परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा आपकी इन्वेस्टमेंट पे, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दैट रिमेन्स द कॉन्स्टेंट, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास सेविंग फंक्शन ये होगा। इस केस में याद रखना IS कर्व हमारी कैसी आएगी, दिस वे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हियर वी हैव इनकम। तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा हमें क्या करना होता है, दूसरा हमें सेविंग फंक्शन को देखना होता है। अब सेविंग फंक्शन हमारा स्टीपर होगा तो हमारी जो IS कर्व होगी वो भी स्टीपर होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, हमारा ये जो अगर सेविंग फंक्शन इस तरीके का है, स्टीपर है, ठीक है, तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग ही वैल्यूज मिलती है, इनकम के वैल्यूज हमें उसी के करस्पॉन्डिंग मिलेगी,
ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा सेविंग फंक्शन स्टीपर होगा तो हमारा आईएस कर्व भी क्या होने वाला है, इट विल बी स्टीपर। अगर हमारा सेविंग फंक्शन फ्लैटर होगा तो हमारी जो आईएस कर्व है दैट विल बी फ्लैटर। ठीक है, यहां तक समझ आया? अगर आपको कोई पूछे आपका सेविंग फंक्शन फ्लैटर है तो जहां पे भी बैठे हो जोर से बोलना स्टार्ट करिए, अगर आपका सेविंग फंक्शन फ्लैटर है तो एट दैट टाइम आपका आईएस कर्व कैसा होगा, दैट विल बी फ्लैटर। और अगर आपका सेविंग फंक्शन स्टीपर है तो आपका आईएस कर्व क्या होगा, दैट विल बी स्टीपर। क्लियर? अब हमने क्या किया था, आपको याद होगा मैंने आपको IR इक्वल टू SY ये इक्वेशन ली थी, लेकिन मैंने आपको बोला था I प्लस G इज इक्वल टू S+T होता है। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस G एंड T हियर। ठीक है, अब हम गवर्नमेंट का रोल भी यहाँ पे लेकर आएंगे। ठीक है, तो मैं इरेज कर दू। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हमने गवर्नमेंट का रोल भी लाना है। तो आपको पता है हमारा ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन हमें आई की जगह क्या चाहिए, आई प्लस जी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग आएगा। तो जब आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल इंक्रीज, आपकी कर्व क्या होगी, कुछ ऐड हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो अब हम यहाँ से शिफ्ट होके याद रखना यहाँ पे हो जाएंगे। तो आई प्लस जी ये होगा। ठीक है, पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मींस पब्लिक एक्सपेंडिचर, आई मींस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल तो इन्वेस्टमेंट ही है ना। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे आर नॉट पे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। पहले हम I1G पे थे, नाउ हम I2G पे होंगे। क्लियर? और अगर हम सेविंग्स में टैक्स लगा दें तो पहले अगर आप टैक्स नहीं दे रहे थे, ठीक है, तो आप यहाँ पे थे, नाउ टैक्स दोगे तो आपकी पॉकेट से पैसा कम जाएगा, आप यहाँ पे हो जाओगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी जो आईएस कर्व होगी वो भी आपको सिंपल ऐसे ही ड्रॉ करनी है जैसे आप पहले कर रहे थे, बट सिर्फ याद रखना है जब आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने की वजह से इकोनॉमी में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी। और ठीक है, जब हमारा यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा यहाँ पे इस समय टैक्स लगेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? और आईएस कर्व हमारी इस तरीके से ड्रॉ हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है क्राउडिंग आउट का। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे। ठीक है, वो जब मैं आप लोगों को क्राउडिंग आउट का लास्ट में एक अलग से टॉपिक पढ़ा दूंगी तो वहां पे आपको क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमने LM कर्व के टाइम देखा था फैक्टर्स दैट शिफ्ट द LM शेड्यूल, उसी तरीके से हम IS के टाइम पे भी क्या देखेंगे, फैक्टर्स दैट शिफ्ट द IS शेड्यूल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फैक्टर्स दैट शिफ्ट द IS शेड्यूल। अब IS शेड्यूल में अगर आप लोग ध्यान दें, हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या है, हमारे पास I प्लस G इज इक्वल टू S+T, हमारे पास ये इक्वेशन है। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं कि सेविंग्स में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर्स है जो हमें कंसीडर करने हैं दैट इज IG एंड T। जो हम फैक्टर्स कंसीडर करेंगे दैट इज IG एंड T। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये एज्यूम करें कि आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज आ रहा है, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। लेट से आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर जाता है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे आई प्लस जी आएगा। पहले आपका ये कर्व था आई कर्व, नाउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं पेन आई प्लस G1, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपका चेंज नहीं हुआ, आपका क्या चेंज हुआ, नाउ आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज हुआ। ठीक है,
तो जी वन। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला जब आप आर नॉट पे हो, सॉरी, जब आप आर नॉट पे हो तो उस समय हमारे पास आई नॉट प्लस जी नॉट था, लेकिन आर नॉट पे जब आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज किया तो हम क्या, हम यहाँ पे आ गए आई नॉट। व्हाई आई एम राइटिंग आई नॉट, बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट चेंजिंग, गवर्नमेंट अपने फंड से पैसा खर्च रही है, आई नॉट प्लस जी वन, क्लियर। लेकिन अगर मुझे इसी पॉइंट पे रहना है, मैं नहीं चाहती ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करे इकोनॉमी में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ स्ट्रेट लाइन है ये, आप आराम से बनाना, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा अगर हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का लेवल इकोनॉमी में ओवरऑल उतना ही रहे। और उसी तरीके से वी हैव सेविंग कर्व, दिस इज एस वाई माइनस टी नॉट प्लस टी नॉट। वाई माइनस टी नॉट क्या बता रहा है, आउट ऑफ योर टोटल इनकम टी नॉट टैक्स डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला दिस इज योर वाई नॉट, वाई नॉट कहाँ पे है आपका, आई नॉट प्लस जी नॉट लेवल पे, इस लेवल ऑफ इनकम पे, दिस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस टी नॉट। और हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गए, दिस इज आई नॉट प्लस जी वन इज इक्वल टू एस नॉट एस वन प्लस टी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप शिफ्ट हो गए, अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए तो हमें क्या बताना है, हमें आई एस कर्व को देखना है। तो आई एस कर्व हमारी कहाँ जाएगी, जब हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे इकोनॉमी में हमारा इनकम लेवल बढ़ रहा है। इनकम लेवल बढ़ने का मतलब हम हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ मूव करेंगे आई एस कर्व में। आप वाई नॉट से वाई वन पे शिफ्ट करोगे तो दैट्स वाई हमारा जो आई एस कर्व है वो पहले अगर इधर था अब इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहले अगर इधर था अब आगे हो जाएगा, यहां तक समझ आया। अब मैं इसको ड्रॉ कर रही हूं, दिस इज आर नॉट, ये वाला आर नॉट, इस समय क्या था हमारा आर नॉट के करस्पॉन्डिंग आई नॉट जी नॉट वाई नॉट, तो मैंने इसको लिख दिया वाई नॉट, ठीक है। तो आर नॉट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई वन था, लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, मेरी ये लाइन मीट नहीं करेगी, जहां पे भी आपका मीट करेगा आप उसके करस्पॉन्डिंग आर वन लिखोगे, ठीक है। और ये कितना इंक्रीज हुआ, कितना चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा जी इंटू वन अपॉन वन माइनस बी, ये आप लोगों ने मल्टीप्लायर में आई होप पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़िए, वहां पे आपको मिल जाएगा। बट आई एम होपिंग कि आपको ये चीजें पता है, बेसिक चीजों के बारे में आपको आइडिया है। अब हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देख लिया, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, आप मुझे जहां पे भी बैठे हो जोर से जवाब दीजिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने की वजह से आई एस कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमने फॉल कर दिया होता, कम कर दिया होता, कर्टेल कर दिया होता, उस समय आई एस कर्व यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ जाता, क्लियर। तो डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए कि हमारा आई प्लस जी जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड, अगर वो फॉल करता तो विल कम बैकवर्ड, क्लियर। दूसरा हमें क्या देखना है, चेंज इन टैक्सेस। अब यहाँ पे चेंज इन टैक्सेस में हमें कौन सी कर्व देखनी है, सेविंग कर्व। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आई आर प्लस जी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला आर नॉट और वाई नॉट, ये हमारे पास सॉरी आई नॉट प्लस जी नॉट, ये हमारे पास पॉइंट है। मैंने हमने क्या बोला है कि शिफ्ट कहाँ पे आ रहा है, टैक्सेस की वजह से आ रहा है। और मैंने आपको बोला था सेविंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर टैक्सेस की वजह से सेविंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली टैक्सेस की वजह से जो हम कर्व देख रहे हैं दैट इज सेविंग कर्व, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे एस वाई माइनस टी नॉट प्लस टी नॉट है, अगर आपका टैक्स इंक्रीज करेगा तो लोग सेव कम करेंगे बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम इज लेस। तो हमारी सेविंग कर्व विल शिफ्ट, और हमारी सेविंग कर्व लेट से यहाँ पे आ गई बैकवर्ड आ गई,
जब हमारी सेविंग कर्व बैकवर्ड आ गई तो अब क्या होगा, अब हमारी आईएस कर्व शिफ्ट करती है, और आईएस कर्व कहाँ शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। इस केस में सेविंग कम हो गया ना तो हमारी इनकम पीछे, आपको याद कैसे रखना है, सेविंग कम हो गई, पहले हम वाई नॉट पे थे, अब वाई वन में, तो हमारी आईएस कर्व में यहाँ इनकम होता है, और हम हॉरिजॉन्टली अगर बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी हैव आर नॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थी आईएस नॉट टी नॉट, ये हमारे पास थी आईएस 1 टी 1, क्लियर। तो ये हम बैकवर्ड शिफ्ट किए, और ये चेंज कितना आया, इट इज डेल्टा टी -b अपॉन 1 -b, ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारी, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक चीज खुद करेंगे, इन्वेस्टमेंट का केस आप खुद करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का केस हमारा सेम केस बनेगा जो I+G का केस बनता है, ठीक है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो आईएस कर्व के बारे में आपको समझ आया, ठीक है। तो आप अगर अभी भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब आईएस कर्व के बारे में भी एक बार समरी देख लेते हैं। सबसे पहले जब आईएस कर्व के बारे में बात करेंगे तो दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में आएगा प्रोडक्ट मार्केट, दिमाग में क्या आएगा, प्रोडक्ट मार्केट। नंबर 2, आईएस कर्व हमारा क्या कर रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। नंबर 3, आईएस शेड्यूल विल बी रिलेटिवली फ्लैट इफ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, जहां पे बैठे हो जोर से बोलिए, नहीं आ रहा, कॉपी पीछे देखिए, इज रिलेटिवली हाई, और आईएस शेड्यूल विल बी रिलेटिवली स्टीप इफ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो। नंबर 3, द आईएस शेड्यूल विल शिफ्ट टू द राइट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज, क्या आएगा, इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और आईएस कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। लाइक वाइज नेक्स्ट पॉइंट, द आईएस शेड्यूल विल शिफ्ट टू द लेफ्ट वेयर टैक्सेस इंक्रीज एंड आईएस शेड्यूल विल शिफ्ट टू द राइट व्हेन टैक्सेस डिक्रीज, क्लियर। और इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आप खुद देखेंगे, क्लियर। अब हमें क्या बताना था, हमें आईएस एलएम कर्व बताना था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो लास्ट लेक्चर था जो मैंने बहुत आराम से पढ़ाया था, आईएस एलएम कर्व जब भी हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आईएस कर्व एलएम कर्व देखते हैं, जहां पे वो इंटरसेक्ट करती है हम बोलते हैं वहां पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और वहां पे हमें इनकम मिला, यही वो पॉइंट है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आईएस एलएम कर्व क्या है आपका, आईएस एलएम कर्व हमें क्या बताता है, जहां पे हमारा मनी मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और इसके लिए मैंने कल आपको बोला था, जितने भी हमारे गुड्स शेल्फ में पड़े हैं, इसका मतलब होता है जितने भी हमारे गुड्स शेल्फ में पड़े हैं उसके लिए डिमांड क्रिएट हो रही है, और लोगों के पास इतना सफिशियंट पैसा है कि वो डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल स्टेबल सिचुएशन हमें दिखाई देती है इन बोथ द प्रोडक्ट एज वेल एज द मनी मार्केट, क्लियर। यहां तक समझ आया, ठीक है, आई होप आपको समझ आया। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देखा करो, ठीक है, जिस फॉर्मेट में आप लोगों को मिलता है, जिस अगर मैंने पहला वो लेक्चर दिया है उसमें मैंने आराम से आपको चीजें समझाई है, पहले वो देखो फिर आज का देखो, ठीक है। फिर कल मैं आपके लिए आईएस एलएम पे एक और लेक्चर लूंगी, जो हम लोगों को देखना है, इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जहां पे हम इफेक्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी देखेंगे ऑन द आईएस एलएम। तो यहां तक आप लोग रिवाइज करिए सो दैट आपको चीजें समझ आए, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन कर लीजिए, थैंक यू।